हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैजेट टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में iPro पावर बैंक्स के बारे में, और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले IP35 पावर बैंक की जो हमारे पास फिलहाल मौजूद है। और ये जो पावर बैंक है वो 10,000 mAh का पावर बैंक है, और मैं आपको कुछ पावर बैंक्स के बारे में बता देता हूँ। iPro जो है बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे पावर बैंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों iPro का। और पर्सनली मैंने यूज़ किया है, जो दूसरे ब्रांड्स हैं उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है ये सेम प्राइस में। जो हालांकि ये जो प्राइस आपको देता है 600-700-800 रुपए के रेंज में, वो दूसरे काफ़ी ब्रांड्स हैं वो अच्छे से जो है वो आपको नहीं दे पाते इतनी अच्छी क्वालिटी। तो ये iPro जो है बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में iPro का जो मेरे पास है IP35 करके जो पावर बैंक है उसका जो है मैं रिव्यू करने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, और रिव्यू जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा रिव्यू दे दूंगा। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम बॉक्स का जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है आपको बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पे अगर पावर बैंक की बात करें तो साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, और मैं आपको बता दूंगा कि कितना साइज़ है ये पावर बैंक का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप 3 पोर्ट्स जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं एक साथ में। आपके पास अगर 3 डिवाइसेस है या 3 स्मार्टफोन्स हैं तो आप उसको जो है एक ही टाइम पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 एम्पियर का और 2 एम्पियर के जो है पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ ही आपको पावर बैंक्स जो है वो आपको मिल जाती है। और यहाँ पे 10,000 mAh का जो है पावर बैंक आपको मिल जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कैपेसिटी, और यहाँ पे जो है वो 10,000 mAh लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है वो IP35 करके जो है पावर बैंक का मॉडल नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है दोस्तों स्मार्टफोन्स, आईफोन, आईपैड्स, सैमसंग गैलेक्सी, सोनी PSP या निंटेंडो, जो बहुत सारे जो दोस्तों गेमिंग कंसोल भी है उसको भी जो है आप चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और राइट साइड पे देखेंगे तो iPro का ब्रांडिंग है, नीचे 10,000 mAh लिखा गया है। लेफ्ट साइड पे भी सेम है, iPro का ब्रांडिंग और 10,000 mAh लिखा गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, नीचे की तरफ भी आपको कुछ नहीं मिलता। और बॉक्स की अगर बैक साइड देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है iPro का ब्रांडिंग दिया गया है, और यहाँ पे जो है कुछ MRP वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी वगैरह और इम्पोर्टर का जो है एड्रेस वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो स्पेसिफिकेशन है, आपको आउटपुट करंट जो है वो 2.1 एम्पियर मैक्सिमम मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कैपेसिटी की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 10,000 mAh का कैपेसिटी मिल जाता है। इनपुट वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 800 से ज़्यादा 800 से भी ज़्यादा आप जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, 800 से ज़्यादा टाइम जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे जो है चार्जिंग रिसाइकल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी बाय iPro जापान, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों 1 ईयर का आपको ब्रांडिंग वारंटी मिल जाता है। तो चलिए इसका जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि पावर बैंक जो है किस तरह से आपको मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये पावर बैंक हो गया, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखेंगे तो एक आपको मैनुअल मिल जाता है, ये आपको एक मैनुअल मिल जाता है। और यहाँ पे जो है एक केबल मिल जाता है दोस्तों, आपके बेसिक एकदम केबल है। और मैं आपको लेंथ बता देता हूँ दोस्तों इसकी, ये देखिए दोस्तों, ये मुश्किल से 8 से 9 इंच का जो है केबल है, ज़्यादा लेंथ नहीं मिलेगी आपको, और काफ़ी नॉर्मल सा केबल है। तो अगर हम पावर बैंक की बात करें तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी अच्छा ग्लोसी लुक यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा देखिए यहाँ पे टेक्सचर भी दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्सचर दिया गया है, और काफ़ी अच्छा जो है पावर बैंक है, और बैक साइड पे भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, और ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। और यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और जो पहला पोर्ट है उसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मिल जाएगा, दूसरा जो पोर्ट है उसमें भी 2 एम्पियर का है, और तीसरा जो पोर्ट है वो भी 2 एम्पियर का। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 ये तीनों पोर्ट्स जो है वो उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, तीनों पोर्ट जो है वो 2 एम्पियर का पोर्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है वो माइक्रो चार्जिंग केबल के लिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो है वो LED दिया गया है। तो आप इसको अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए LED जो है वो ऑन हो जाएगा। और बस इस तरह से जो है दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ IP35 इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पे जो है वो 10,000 mAh का जो है बैटरी यहाँ पे कैपेसिटी लिखा गया है। और इसके हम अगर साइज़ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ये 5.5 इंच का दोस्तों मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है वो फ़ोन है। और साइज़ की बात करें तो 5 इंच का जो है साइज़ आपको जो है इसका पावर बैंक का मिल जाता है दोस्तों आपको।
तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये फिलहाल अनबॉक्सिंग था, रिव्यू नहीं था। रिव्यू जो है आपके लिए लेके आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा ये पावर बैंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।